हजारों राम राम नमस्कार, आपको अवगत करा दें नगर निगम निकाय चुनाव झांसी जनपद। आपको बता दें कुछ ही महीने रह गए हैं, हर वार्ड के अंदर जोरों शोरों से 10 से 15 प्रत्याशी दावेदारी ठोक रहे हो, क्यों ना करें, क्योंकि जो निरंतर 10-10 साल से मेहनत कर आ रहा हूँ उन्हें मौका मिल रहा जावार की चुनाव हम भी लड़े, लोगों की सेवा करें, वार्ड के अंदर चमका दो काम करें। तो ऐसे ही वार्ड नंबर 22 राजगढ़ बिजौली, जो दो ही मोहल्ला है, दो ही वार्ड है, सबसे बड़े बड़े वार्ड है, जाके अंदर अनेक लोग प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच के अंदर झांसी नगर निगम वार्ड नंबर 22 बिजौली के निवासी रिंकू बंसकार जी, जो भारतीय जनता पार्टी से जावर दावेदारी कर रहे और टिकट मांग रहे, इनको पर्चे बता दें, जो बिजौली के निवासी हैं, दो ही वार्ड में 10 साल से खूब अपनी अपनी लोगों के बीच में जा जाकर मेहनत कर रहे और जावर भी टिकट मांग रहे, इससे पहले भी एक बार चुनाव लड़े, सब बताएं कि आज आखिरकार पहले चुनाव कभी लड़े, का सारांश रहा, जावर कौन सी सीट पे जावर चुनाव लड़े। तो अगली आवाज हमारे बीच में बैठे रिंकू बंसकार जी, जय राम राम। राम राम सर। रिंकू जी, कैसे काम मन में प्लान बना लो चुनाव? प्लान ये 10 साल पहले से हम तैयारी कर रहे हैं सीट की, वार्ड नंबर 22 बिजौली राजगढ़। अच्छा। तो पहले भी हमने दावेदारी की थी और इस बार भी कर रहे हैं। पहले सामान्य सीट होने के कारण हम चुनाव नहीं लड़े, इस बार मन बना लिया। रिंकू जी, चुनाव लड़ रहे आप, आखिरकार का समस्याएं देखी वार्ड के अंदर, का कारण है? वार्ड के अंदर कई अनेक समस्याएं हैं, रोड है, पानी है, लाइट है, हर चीज की समस्या है। आदमी पहले बन जाता है फिर कोई काम नहीं कराता है, तो इस वजह से मैंने मन में ठाना है कि अब मैं बनूंगा तो पहले भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। बिजौली वार्ड नंबर 22 बिजौली। अच्छा, ये बताइए 10 साल में लोगों के बीच में का दुख सुख में, अपनी दुख सुख में हर चीज में जो भी जहाँ सहयोग की वो आई उन्हें गया वहाँ पे, और मैंने हर चीज में सुख दुख में हर चीज में सहयोग किया, शादी हो अपने राजगढ़ बिजौली में, जहाँ भी जो समस्या हुई वहाँ उस चीज में मैं गया। रिंकू जी, अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिले तो निर्दलीय चुनाव नहीं मिलेगा? विश्वास है मुझे कि मिलेगा, नहीं मिले तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। पार्टी में कब से सेवा दे रहे? पार्टी में 4 साल। 4 साल। अच्छा, जो वार्ड के अंदर का समस्या जेब में मिला था आपको, प्रेजेंट में जात हुई वार्ड के अंदर घूमे? वार्ड के अंदर कई समस्या है, लाइट की है, नाली की है, रोड की है, और कंट्रोल की भी समस्या हो गई है, कहीं किसी को राशन मिल गया किसी को नहीं मिल गया, तो उस चीज़ के भी देखेंगे आगे जाकर। देखो, देखो जाए राजगढ़ बिजौली में कितने का वोटिंग पड़ा पूरी वार्ड नंबर 22 में? राजगढ़ बिजौली में करीब 13-14 हज़ार। 13-14 हज़ार वोटिंग? हाँ। तो जब हमने सुनी कि 10 लाख लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, कैसे का आप भी मेहनत रंग लाए? वो तो सबका है, हम जैसी मेहनत करेंगे तो हमें संग लाएगी मेहनत। हाँ। बच्चा, जो आप चुनाव की हो गई, आपके संगे कितने लोग लगे जो आपके दुख सुख में साथ दे रहे हैं और आपके चुनावी में साथ दे रहे हैं? वार्ड नंबर 22 बिजौली राजगढ़ सभी जगह के लोगों ने कहा कि आप खड़े होंगे हम आपके साथ, सब संग में है, सब संग में लेडीज है, जो भी जितने भी है सब पूरा हमारे गाँव का क्षेत्र में संग में, पूरे संग। हाँ, उन्हीं के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं वार्ड में, घूम अपने वार्ड में घूम रहे हैं राजगढ़ बिजौली? मैं तो अभी बहुत सालों से कर रहा हूँ तैयारी, 10 साल से मेरी यही तैयारी है, और जो भी है तो अपन तन मन धन से लगते हैं जहाँ भी काम करें। बिना पार्षद की आप लोगों की मदद कर रहा हूं, बन जाए तो फिर का उम्मीद है? फिर तो आप ये देखना कि क्या होगा वार्ड में। हाँ, कह रहा है बच्चे है, अभी तो पार्षद भी नहीं है, इतना काम अपन कराते हैं और जब बन जाएंगे तो फिर और अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जनता से का क्या वो चाह रहा है कि चुनावी 1-2 महीना रहेगा शेष, तो किस तरीके से आपको चुने लोग? जनता ने पूरा मन बना लिया है। अच्छा। हाँ, यदि टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। भाई, तो हम क्या वो चाह रहे थे, टिकट मिले तो लड़ोगे, नहीं मिले तो निर्दलीय लड़ेंगे। 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं हर बार में जाते, हर गांव मोहल्ले में सब मोहल्ले में जाते। जो भी समस्या होती है वो अपन अपने जितनी वो क्षमता है उतना अपन काम कर दी। सही बात है। लोग जजते रिंकू बंसकार जी, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 22 में जब बार मौका मिल रहा भारतीय जनता पार्टी अगर इन्हें टिकट दे तो चुनाव 100% लड़े, और ना भी टिकट दे तो उनको मन मना लो कि निर्दलीय में जाकर ताल ठोकने हैं। अनेक धरंधर जब बार से चुनावी तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें सीट चांद होना है, अब इन्हें मन मना लो कि भज्जा जावा तो चुनाव लड़ने, क्यों 10 साल लोगों के बीच में सेवा करत करत आ रहा है, पार्षद ना हो के बाद इतनी मदद करो, पार्षद बन जाए फिर तो जो बार को चमका दें। यही कहना चाह रहे हैं कि आप भरपूर अपना सहयोग करें, अपन तन मन धन से हर चीज हर व्यक्ति के संग में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू बंसकार जी को, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि अपने वार्ड के अंदर हर समस्या का निराकरण अगर जनता चुनती है जावार, तो वास्तव में इस समस्या का निराकरण सब करने का काम रिंकू बंसकार करेंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज झांसी।